स्टूडेंट्स, आज हम अपने पिछले शीर्षक इतिहास में वस्तुनिष्ठता या हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी की आवश्यकता क्यों है और क्यों इतिहास में ऑब्जेक्टिविटी आवश्यक है, इस प्रश्न पर विचार करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की इतिहास लेखन में क्यों आवश्यकता है। जैसे हमने वस्तुनिष्ठता पर तमाम समस्याएं या उसको तमाम ढंग से उसका विचार कर उस पर विचार किया, तो वस्तुनिष्ठता का जो अर्थ है, जैसे मैंने पिछले शीर्षक में बताया कि इतिहासकार को निष्पक्ष रखना और अपने जो पूर्वाग्रह हैं, अपने जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को त्याग कर निष्पक्ष इतिहास प्रस्तुत करना, एक तरह से वस्तुनिष्ठता का उद्देश्य यही है। क्योंकि वर्तमान संदर्भ में या वर्तमान समय में इतिहास में ऐसे अध्ययन पर जोर दिया गया है कि जो कि वैज्ञानिक विधि से हो, और वैज्ञानिक विधि से इतिहास के अध्ययन के लिए वस्तुपरकता या वस्तुनिष्ठता होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम इतिहास को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत कर सके। और वैज्ञानिक अध्ययन में आपको ज्ञात ये है कि हम इसमें कल्पनाशीलता या अपने अपने स्वयं के विचार, स्वयं की मान्यता, स्वयं के पूर्वाग्रह इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो इतिहास में वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता है, वो इसीलिए आवश्यक है वस्तुनिष्ठता, कि इतिहास को निष्पक्ष ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। अब इतिहास में जो वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता है, इसको समझने के लिए हमें इन बिंदुओं पर विचार करना होगा कि इतिहासकार से किस प्रकार की वस्तुनिष्ठता की आशा की जाती है, हम किस प्रकार की वस्तुनिष्ठता इतिहासकार से चाहते हैं कि इतिहासकार ऐसी वस्तुनिष्ठता अपनाए। तो इसके लिए विद्वानों ने इस प्रश्न पर विचार किया है, इस बिंदु पर विचार किया है। उनका मानना है कि इतिहासकार यद्यपि अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पर नियंत्रण पूर्णतया तो नहीं कर सकता, लेकिन वह इस तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोक सकता है कि वह इतिहास को तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करे और अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को पृथक रखी। यद्यपि बटरफील्ड का मत है कि जो सामान्य इतिहास है, सामान्य इतिहास में हम वस्तुनिष्ठता रख सकते हैं, परंतु जब हम शोध करते हैं किसी बिंदु पर, किसी ऐतिहासिक तथ्य पर, तब उसमें वस्तुनिष्ठता बनाए रखना संभव नहीं है। क्योंकि इतिहासकार जब शोध करता है तो उसके द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन तथ्यों का वह चयन करता है, वह निश्चित ही शोधकर्ता की व्यक्तिगत रुचि और भावना के अनुकूल होते हैं और उन्हीं के आधार पर वह व्याख्या करता है। इसलिए हम मान सकते हैं कि सामान्य इतिहास में वस्तुनिष्ठता रखी जा सकती है, परंतु शोध के क्षेत्र में शोधकर्ता द्वारा वस्तुनिष्ठता का पालन करना थोड़ा कठिन है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, क्या इतिहास में विषय परकता और वस्तुनिष्ठता की गवेषणा आवश्यक है? क्या इतिहास में यह आवश्यक है कि वस्तुनिष्ठता के आधार पर ही इतिहास लिखा जाए, या अपने विषय पर ही इतिहास पूर्णतया आधारित हो? यद्यपि वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन के लिए ये आवश्यक है, परंतु क्योंकि इतिहास अतीत के मानव समाज का अध्ययन है और मानव समाज से तमाम इतिहास विषय के साथ साथ अन्य विषय भी, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सब उससे जुड़ी होती है, इसलिए विषय परकता बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि इतिहास के अंतर्गत एक प्रकार से सभी विषय सम्मिलित होते हैं। इसलिए इतिहासकार अपने को केवल एक ही विषय पर केंद्रित नहीं रख सकता है। जहाँ तक वस्तुनिष्ठता का संबंध है, इतिहासकार यह प्रयास कर सकते हैं कि वे वस्तुनिष्ठता को बनाए रखें, परंतु कई बार महापुरुषों के चरित्र वर्णन में या किसी घटना के कारणों के वर्णन में वस्तुनिष्ठता बनाए रखना आसान नहीं है। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता
आवश्यक तो है, परंतु इसे विज्ञान की तरह बनाए रखना कठिन अवश्य है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, दार्शनिक एवं इतिहासकार वस्तुपरकता को एक समस्या के रूप में क्यों देखते हैं? क्योंकि जो दार्शनिक होते हैं वो अपने जीवन दर्शन, अपने जो उनका देखने का नजरिया है, उसके अनुसार जीवन या किसी घटना का वर्णन करते हैं। इसी तरह इतिहासकार भी जो दृष्टिकोण है वह उसके देखने के नजरिए, उसके पूर्वाग्रह, उसकी जो इतिहास को देखने की जो प्रवृत्ति है, जो उसका एक व्यवहार है इतिहास के प्रति, जो उसका एक एक विचारधारा कही, जो इतिहासकार विचारधारा को फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं, उस कारण इतिहास में जो है वस्तुनिष्ठता बनाए रखना ऐसे इतिहासकारों के लिए कठिन है। जैसे हम अगर इतिहास के जो विभिन्न वर्ग हैं, जो विभिन्न स्कूल्स हैं, साम्राज्यवादी इतिहासकार, मार्क्सवादी इतिहासकार, राष्ट्रवादी इतिहासकार, ये इतिहासकार अपनी विचारधारा के अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या करते हैं, इसलिए ऐसे इतिहासकारों को इतिहास में वस्तुनिष्ठता बनाए रखना एक समस्या है। इसीलिए इतिहासकार वस्तुनिष्ठता अर्थात वस्तुपरकता को एक समस्या के रूप में देखते हैं। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या तथ्य तर्क संगत हैं कि इतिहास विज्ञान के समान वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता? क्या यह तथ्य तर्क संगत है कि इतिहास विज्ञान के समान वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता? पिछले शीर्षक में हमने इस पर चर्चा की कि इतिहास कला है या विज्ञान। यह जो चौथा बिंदु है यह उसी से संबंधित है कि इतिहास क्या कला है या विज्ञान। यदि इतिहास को हम पूर्ण विज्ञान माने तो इतिहास में वस्तुनिष्ठता बनाए रखना संभव है, और यदि हम इतिहास को कला माने तो इतिहास समान रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। इसको अच्छी तरह समझने के लिए आप पिछले शीर्षक को समझने का प्रयास करें कि इतिहास कला है या विज्ञान। इस तरह आप समझ सकेंगे कि इतिहास में विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठता बनाए रखना क्या संभव है। यद्यपि विद्वानों ने इसकी समीक्षा की है, उन्होंने कहा है कि जैसे एक प्रसिद्ध विद्वान वे वॉल्स ने लिखा है कि इतिहासकार के लिए अपनी रचना में से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को निकालना उतना ही असंभव है जितना उसका अपने आप को अपनी त्वचा से बाहर निकालना। अब आप समझ सकते हैं कि वॉल्स क्या कहना चाहते हैं। वॉल्स ये कहना चाहते हैं कि इतिहासकार के लिए वस्तुनिष्ठता बनाए रखना आसान नहीं है। आप समझ सकते हैं कोई व्यक्ति अपने शरीर से अपनी त्वचा को बाहर निकाल सकता है? संभवतया नहीं। इसीलिए वॉल्स के अनुसार तो यह है कि इतिहासकार पूर्णतया वस्तुनिष्ठता नहीं अपना सकता है। यद्यपि कई विद्वान ये मानते हैं कि इतिहासकार पूर्णतया वस्तुनिष्ठता अपना सकता है। वे मानते हैं कि इतिहासकार को वस्तुनिष्ठता के लिए एक आचार संहिता जो होती है इतिहास में, उसका पालन करना अनिवार्य है। वो आचार संहिता है निष्पक्ष इतिहास, पूर्वाग्रहों से मुक्त इतिहास, अपने संस्कारों से मुक्त इतिहास, और यही इतिहास की आचार संहिता है। यदि हम इस आचार संहिता का पालन कर सकें तो हम मान सकते हैं कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव है। यद्यपि इतिहास में निष्पक्ष इतिहास लिखने की आवश्यकता है, परंतु अगर इसको एक विस्तृत रूप में अध्ययन करें तो विद्वानों के बीच आज भी इस पर मत क्या नहीं है कि क्या इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव है या वस्तुनिष्ठता आवश्यक है। इसके लिए आप इन बिंदु पर विचार करें और जो मैंने आपको ये तथ्य प्रस्तुत किए हैं इस आधार पर स्वयं एक निष्कर्ष निकलता है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता आवश्यक तो है परंतु उसको स्थापित करना आसान नहीं है।